नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एसर नाइट्रो लैपटॉप के बारे में जो कि हमको यहाँ पे लीक न्यूज मिली है जो कि CES 2021 में लॉन्च हो सकता है, जिसमें आपको Ryzen का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है 5800H प्रोसेसर, उसी के साथ में RTX 3080 ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले इस लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों ये जो लीक न्यूज़ है हमारे पास में हमको एक जर्मन वेबसाइट से मिली है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर नाम की एक वेबसाइट है, जर्मन वेबसाइट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो उस पर इस लैपटॉप को लिस्ट किया गया था, एसर नाइट्रो 5 के लैपटॉप को, जिसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो यहाँ पे राइजन 5000 सीरीज का प्रोसेसर है और जो कि जेन 3 आर्किटेक्चर के साथ में आता है। और वहीं पर दोस्तों इस लैपटॉप में आपको एनवीडिया का लेटेस्ट एम्पियर आर्किटेक्चर का ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिला जो कि RTX 3080 है। उसी के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे CPU के बारे में, तो CPU में जो आपको बेस स्पीड देखने को मिलने वाला है वो है 3.2 GHz का, उसी के साथ में यहाँ पे 4.4 GHz का मैक्सिमम टर्बो बूस्ट स्पीड होने वाला है। तो दोस्तों इस लैपटॉप में हमको काफ़ी सारी चीज़ें नई देखने को मिलने वाली हैं जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुए मार्केट में, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे पास में मोबाइल GPUs जो है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे इस लैपटॉप को लॉन्च के लिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट है वो ये है कि CES 2021 में ये लैपटॉप लॉन्च हो सकता है एसर की तरफ से। और एसर कंपनी का करंटली सबसे फर्स्ट लैपटॉप होने वाला जिसमें हमको Ryzen 5000 का CPU और प्लस RTX 3080 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है इसका लॉन्चिंग CES 2021 के इवेंट में हो सकता है। उसी के साथ में इस लैपटॉप में कुछ और भी चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो RTX 3080 का जो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड आपको मिलने वाला है वो 8GB का वेरिएंट होने वाला है। साथ में 17.3 इंच का ये लैपटॉप है जिसमें 144Hz का डिस्प्ले है, 32GB का रैम है जो कि DDR4 RAM है और साथ में 1TB का SSD इसके अंदर इनबिल्ट है। वहीं पे दोस्तों इसमें जो आपको कीबोर्ड देखने को मिलने वाला है वो बैकलिट कीबोर्ड है, साथ में वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5 है। और इसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड ये है कि मे बी आपको यहाँ पे GTX 1650 वेरिएंट में भी देखने को मिल सकता है ये जो लैपटॉप है। तो दोस्तों यहाँ पे 5000 सीरीज़ के जो 5800H प्रोसेसर है उसके साथ में आपको मे बी यहाँ पे 1650 या फिर 1650 Ti ये वेरिएंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और जो करंटली हमारे पास में जो लैपटॉप यहाँ पे लिस्ट किया गया था जर्मन वेबसाइट पे, इसका जो प्राइसिंग रखा गया था 1948 यूरोज रखा गया था, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 1,75,000 रुपीज़ होता है। मतलब कि दोस्तों अगर ये लैपटॉप इंडिया में रिलीज होता है या फिर लॉन्च होता है तो इसका प्राइसिंग जो होगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 2 लाख के आसपास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में हमारे पास में शिपमेंट ड्यूटीज और काफ़ी सारे कस्टम टैक्सेस ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसिंग्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड ऐसा है कि यहाँ पे 2 लाख के आसपास में ये लैपटॉप रिलीज हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या इस लैपटॉप परचेज करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, या फिर आप कौन से लैपटॉप के लिए रुके हुए हैं उसको हम नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।